हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स डॉट इन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चिट फंड के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि चिट फंड क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, जब भी हम चिट फंड शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में फ्रॉड, चीटिंग, स्कैम जैसे शब्द घूमने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाल के वर्षों में देश में कुछ बड़े चिट फंड फ्रॉड या फाइनेंशियल स्कैम हमें देखने को मिले हैं। हम में से सबने शारदा चिट फंड और रोज वैली चिट फंड स्कैम के बारे में जरूर सुना होगा। इसमें तब कई राजनेताओं के नाम भी सामने आए थे। अब ये स्कैम कैसे हुए और क्या ये वास्तव में चिट फंड स्कैम थे या ये चिट कंपनियां चिट फंड के नाम पर इन्वेस्टमेंट का कोई दूसरा ही काम कर रही थी, ये जानना तो एक अलग विषय है। मीडिया में तब इस पर बहुत चर्चा भी हुई थी, लेकिन हम इन चिट फंड स्कैम और फ्रॉड इत्यादि के बारे में तब तक अवेयर नहीं हो सकते हैं जब तक हम ठीक तरीके से यह समझ ना लें कि चिट फंड क्या है और ये कैसे काम करती हैं। दोस्तों, चिट फंड को चिट, चिट्टी, कुरे इस तरह से कई नामों से जाना जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। कई बार गाँव और कस्बों में किसान या छोटे सामाजिक समूहों द्वारा या परिवारों में भी आपस में इस तरह की प्रैक्टिस देखने को मिलती हैं। दोस्तों, चिटफंड क्या है उसे हम ठीक ढंग से केवल तभी समझ सकते हैं जब हम ये जान लें कि चिटफंड कैसे काम करते हैं। चलिए इसे एक सिंपल उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक चिट कंपनी है जो चिटफंड का कारोबार करती है। कंपनी के 4 सब्सक्राइबर या मेंबर हैं जो फंड में पैसा जमा करते हैं। चिट फंड की मैच्योरिटी पीरियड मान लीजिए 4 महीने की है। चारों मेंबर हर महीने इस फंड में 10-10 हज़ार रुपये का कंट्रीब्यूशन करते हैं। इस तरह हर महीने फंड में 40 हज़ार रुपये जमा हो जाती है। इसे चिट फंड का मंथली पोर्ट कहते हैं। असल में 40 हज़ार रुपये के मंथली पोर्ट में से चिट कंपनी का ऑपरेशन कॉस्ट 5 से 7% काट लिया जाता है। चिट कंपनी के लिए ये ऑपरेशन कॉस्ट लेना जरूरी है क्योंकि किसी सब्सक्राइबर के डिफॉल्ट हो जाने पर या पैसा समय पर नहीं जमा कर पाने पर मंथली पोर्ट को तय एग्रीमेंट के अनुसार बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन हम इस उदाहरण में इस ऑपरेशन कॉस्ट को शामिल नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उदाहरण को सरल रखा जा सके। अब मान लिया जाए कि इन 4 लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं जो इस मंथली पोर्ट को उधार के रूप में लेना चाहते हैं। इन 3 लोगों में से 40 हज़ार रुपये का लोन किसे मिलेगा, इसका निर्णय ऑक्शन या टेंडर के जरिए होता है। जो व्यक्ति इस मंथली पोर्ट में से जितनी कम राशि की बोली लगाएगा वह व्यक्ति उस पोर्ट को जीत लेगा, यानी उसे लोन मिल जाएगा। मान लिया कि पहले व्यक्ति ने 40 हज़ार रुपये में से पूरे 40 हज़ार रुपये को लोन के रूप में लेने के लिए बोली लगाई। वहीं दूसरा व्यक्ति 39 हज़ार रुपये लोन के रूप में लेने के लिए बोली लगाता है और तीसरा व्यक्ति 48 हज़ार रुपये लोन के रूप में लेने के लिए बोली लगाता है। चौथे व्यक्ति को लोन नहीं लेना है इसलिए उसने कोई बोली नहीं लगाई, वह ऑक्शन में शामिल नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि चिट कंपनी तीनों में से किस व्यक्ति को लोन देगी। तो चिट फंड कंपनी उसी व्यक्ति को मंथली पोर्ट में से लोन देगी जिसकी बोली सबसे कम होगी, यानी लोन तीसरे व्यक्ति को दिया जाएगा क्योंकि उसने पहले दोनों व्यक्तियों की बोली में से सबसे कम यानी 38 हज़ार रुपये की बोली लगाई है। तीसरे व्यक्ति को मंथली पोर्ट 40 हज़ार रुपये में से 38 हज़ार रुपये लोन के रूप में दे दिए जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि तीसरे व्यक्ति ने 10 हज़ार मंथली इंस्टॉलमेंट का एक किस्त जमा किया और उसने 38 हज़ार रुपये का लोन चिट कंपनी से उठा लिया। दोस्तों, जितनी राशि हर महीने किसी को लोन के रूप में दी जाती है उसे चिट फंड की प्राइज मनी कहा जाता है। अब सवाल किया जा सकता है कि कोई भी सब्सक्राइबर मंथली पोर्ट जीतने के लिए क्यों कम से कम बोली नहीं लगा देता है। इस केस में क्यों पहला व्यक्ति 40 हज़ार की बोली के बजाय क्यों ना 37 या 36 हज़ार की बोली लगा देता है। ऐसा करने पर किसी को क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक कारण है। जब तीसरे व्यक्ति ने 38 हज़ार की बोली लगाई तो असल में उसने उस 40 हज़ार में से जो उसे चिटफंड के मेच्योर होने के समय मिलते
उसमें से 2,000 रुपये का त्याग कर दिया है। आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि उसने 2,000 रुपये का लोन पर ब्याज दे दिया है। हालांकि चिटफंड के केस में लोन पर ब्याज सही शब्द नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप इस 2,000 रुपये के त्याग या सेक्रीफाइस को लोन का इंटरेस्ट के रूप में समझ सकते हैं। असल में ये 2,000 रुपये जिसका तीसरे व्यक्ति ने सेक्रीफाइस कर दिया है, वह चिट कंपनी के लिए डिविडेंड या लाभांश है, जो उन चारों सब्सक्राइबर में, जिसमें लोन लेने वाला व्यक्ति भी शामिल है, सबको डिविडेंड का बराबर हिस्सा उनके मंथली जमा के ऊपर ब्याज के रूप में मिल जाएगा। यानी अगर तीसरे व्यक्ति ने 2,000 रुपये का त्याग किया है, तो 2,000 / 4 = 500 रुपये हर व्यक्ति को उनके पहले इंस्टॉलमेंट के ऊपर ब्याज मिल जाएगा। यानी हर व्यक्ति ने 10-10 हज़ार रुपये का इंस्टॉलमेंट जमा किया, जिस पर अब उनकी जमा राशि पर 500 रुपये का ब्याज मिला है, जिससे अब उनकी पहले महीने की जमा राशि का वैल्यू 10,500 रुपये हो गया है। अब जब दूसरे महीने भी चार व्यक्ति 10,000 रुपये का मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं, तो फिर से मंथली पोर्ट 40,000 रुपये का हो जाता है। दूसरे महीने फिर से बोली लगाई जाती है, और इस बार तीसरा व्यक्ति, जिसने एक बार पोर्ट जीत लिया है, बोली नहीं लगा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल एक बार ही मंथली पोर्ट में से लोन ले सकता है। अब मान लिया जाए कि इस बार दो लोग पोर्ट जीतने के लिए बोली लगाते हैं। इस बार दोनों किसी भी हाल में लोन लेना चाहते हैं, दोनों को पैसे की तत्काल जरूरत है। पहला व्यक्ति सीधे 35,000 की बोली लगा देता है, दूसरा व्यक्ति भी उतना ही डेस्परेट है और वह 32,000 की बोली लगा देता है। इसका मतलब है कि वह अपने मेच्योरिटी मनी में से 8,000 रुपये का त्याग करने के लिए तैयार है। अब हमें पता है कि उस व्यक्ति को पोर्ट दे दिया जाता है जो सबसे कम की बोली लगाता है, सो ऐसे में दूसरे व्यक्ति को पोर्ट दे दिया जाएगा। इस बार प्राइज मनी 32,000 रुपये के बराबर होगी। इसका मतलब होगा कि अब 8,000 रुपये चार लोगों में डिवाइड होंगे। 8,000 / 4 = 2,000 रुपये। इस बार सभी को 2,000 रुपये एज एन इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे महीने के इंस्टॉलमेंट के बाद सभी के खाते में 20,500 रुपये जमा हो गए हैं। दूसरे महीने का ब्याज 2,000 रुपये ईच मिला दिया जाए, तो अब सबके खाते में 22,500 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह जब तीसरे महीने का इंस्टॉलमेंट जमा किया जाता है, तो इस बार फिर 40,000 का मंथली पोर्ट की बिडिंग की जाती है। मान लिया जाए कि इस बार केवल पहला व्यक्ति ही बिड करने के लिए आता है, दूसरा और तीसरा व्यक्ति बिड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक बार प्राइज मनी जीत ली है, और चौथा व्यक्ति बिड इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे लोन की कोई जरूरत नहीं है, उसने ब्याज खाने के लिए चिटफंड में इन्वेस्ट किया था। जब केवल एक व्यक्ति बिड के लिए आता है, तो जाहिर सी बात है कि उसे पूरा पोर्ट ही लोन के रूप में मिल जाएगा। हालांकि असल में पूरा पोर्ट किसी को कभी भी नहीं मिलता है। अगर बिडिंग में कोई कंपटीशन ना भी हो, तो भी चिटफंड कंपनी का ऑपरेशन कॉस्ट 5 से 7% काट कर ही मंथली पोर्ट को ऑक्शन के लिए खोला जाता है। हमने यहाँ पर इस 5 से 7% के चार्ज को मेंशन नहीं किया है। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उदाहरण को सरल बनाया जा सके। अगर केवल एक व्यक्ति लोन के लिए बिड करता है, तो उसे पूरा पोर्ट मिल जाता है। इस केस में पहले व्यक्ति को 40,000 का पूरा पोर्ट लोन के रूप में मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इस बार लोन लेने के लिए व्यक्ति को किसी भी तरह का सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी है कि इस बार किसी को कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। तीसरे महीने के इंस्टॉलमेंट जमा करने के बाद अब सबके खाते में कुल 32,500 रुपये जमा हो चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मान लिया जाए कि चौथे महीने में इंस्टॉलमेंट जमा करने के बाद जब मंथली पोर्ट बिड के लिए खोला गया, तो इस बार किसी ने बिडिंग नहीं की। इस महीने किसी को ना तो लोन मिला और ना ही किसी को कोई डिविडेंड मिला। इस प्रकार चौथे महीने भी किसी को कोई ब्याज नहीं मिला। इस तरह चौथे महीने के आखिरी में जब चिटफंड की मेच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है, तो इन चारों के खाते में चौथे महीने का इंस्टॉलमेंट की राशि मिलाकर कुल 42,500 रुपये जमा हो चुके होते हैं।
अब चूंकि पहले, दूसरे और तीसरे व्यक्ति ने 40,000 रुपये का मंथली पोर्ट लोन के रूप में पहले ही ले लिया है, भले ही उन्होंने 40,000 में से पोर्ट जीतने के लिए कम राशि की बोली लगाई थी, अब जब चिटफंड मेच्योर हो जाता है तो उसमें से उन तीनों के अकाउंट में से 40,000 रुपये काट लिए जाते हैं। मेच्योरिटी के समय इनको 42,500 माइनस 40,000 यानी केवल 2,500 रुपये मिलेंगे। लेकिन चौथे व्यक्ति को, जिसने कोई लोन नहीं लिया था, उसे पूरे 42,500 रुपये मिलेंगे। उसने 4 महीने में 40,000 रुपये के ऊपर 2,500 रुपये का ब्याज कमा लिया है। चलिए अब इसे लोन लेने वाले व्यक्ति के नज़रिए से भी समझने की कोशिश करते हैं। लोन लेने वाले व्यक्ति के नज़रिए से देखा जाए तो तीसरे व्यक्ति ने 38,000 रुपये का लोन लिया, जिस पर उसे महीने के आखिरी में 40,000 रुपये भरने पड़े, जिस पर उसे 2,000 रुपये का ब्याज देना पड़ा। लेकिन चौथे महीने के आखिर में उसे 2,500 रुपये का रीइंबर्समेंट भी हो गया एक तरह से, यानी पहले व्यक्ति को वास्तव में 500 रुपये का मुनाफा ही हुआ। ठीक इसी तरह हिसाब लगाने पर दूसरे और पहले व्यक्ति का मुनाफा या ब्याज भी निकाला जा सकता है। दूसरे व्यक्ति को 32,000 के लोन पर और रीइंबर्समेंट का हिसाब लगाकर 5,500 रुपये का ब्याज चुकाना पड़ता है। वहीं पहले व्यक्ति को 40,000 का लोन भी मिल जाता है और 2,500 रुपये का मुनाफा भी होता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने यह समझ लिया है कि चिटफंड किस तरह से काम करता है। अब अगर हम चिटफंड की परिभाषा देखें तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि परिभाषा में क्या कहा गया है। मैंने भारत सरकार के चिटफंड एक्ट 1982 के सेक्शन 2B के तहत की गई परिभाषा को यहाँ पर आसान शब्दों में उल्टा करने की कोशिश की है, ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। चिट का मतलब एक ऐसे ट्रांजेक्शन या लेन देन से है जिसमें एक व्यक्ति अन्य दूसरे व्यक्तियों के साथ एक समझौते में शामिल होता है। इस समझौते के तहत हर व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित राशि तय किस्तों की शक्ल में जमा करनी पड़ती है। जमा राशि, जिसे मंथली पोर्ट भी कहा जाता है, को किसी तय समय में नीलामी या बोली लगाने के माध्यम से जरूरतमंद सब्सक्राइबर लोन के रूप में ले सकते हैं, जिसे प्राइज अमाउंट या प्राइज मनी भी कहा जाता है। दोस्तों, चिटफंड का कारोबार पूरी दुनिया में बहुत समय पहले से होते आ रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में यह रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन यानी रोस का नाम से जाने जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स MCA के 31 अक्टूबर 2014 के एक आंकड़े के अनुसार भारत में 5,836 रजिस्टर्ड चिटफंड कंपनी है। हालांकि इस संख्या में बहुत ज़्यादा कमी बेसी होती रहती है। 2010 में यह संख्या 10,269 थी। भारत में एक व्यक्ति को चिटफंड कंपनी खोलने के लिए सबसे पहले भारत सरकार के कंपनी एक्ट 2013 के तहत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर करना पड़ता है। फिर कंपनी को अपने राज्य सरकार के चिट रजिस्ट्रार से रजिस्टर करना पड़ता है। कोई भी चिट कंपनी भारत सरकार के चिटफंड एक्ट 1982 के प्रावधानों के अंतर्गत ही काम कर सकती हैं, जिस पर समय समय पर संशोधन भी होते रहते हैं। राज्य सरकारें भी अलग से कानून बनाकर अपने राज्य में ऑपरेट किए जाने वाले चिटफंड कंपनी को रेगुलेट कर सकती हैं। असल में राज्य सरकारें ही अपने राज्य में ऑपरेट करने वाली चिट कंपनियों को रेगुलेट करती हैं। राज्य सरकारें चाहें तो खुद भी चिट कंपनी चला सकती हैं। चिट कंपनी RBI या SEBI के रेगुलेशन दायरे से बाहर होती हैं। SEBI या RBI तब तक चिट कंपनी की जांच नहीं कर सकती हैं जब तक कि वे चिट फंड का कारोबार कर रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर मान लिया जाए कि कंपनियां चिट के कारोबार के साथ साथ किसी तरह का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाती हैं, तो फिर वे कंपनियां SEBI के दायरे के अंतर्गत आ जाती हैं। चिट कंपनियों के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर यानी MCA भी अपनी पैनी नज़र रखती हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर यानी MCA को लगता है कि चिट कंपनी गड़बड़ी कर रही हैं,
तो उनके निर्देश पर राज्य सरकारें चिट कंपनियों पर कार्रवाई कर सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि चिटफंड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।